बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं मुज़म्मिल एजाज। माई ट्यूटोरियल टाइम डॉट कॉम में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे ओडेक्स डॉट कॉम के ऊपर, और पिछले लेक्चर में हमने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाई थी ओडेक्स के ऊपर कि हम फ्रीलांसर के तौर पर काम करना चाहते हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम अगला स्टेप लेंगे जो के फर्स्ट स्टेप आफ्टर रजिस्ट्रेशन है कि हमें बहुत से लोग इस तरह करते हैं कि अपनी बहुत सी चीज़ें मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये ट्यूटोरियल मैंने समझा कि बहुत ही ज़रूरी होगा। तो व्यूअर्स, क्या वो स्टेप है, क्या चीज़ है जो आफ्टर रजिस्ट्रेशन हमने करनी है? व्यूअर्स, आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रोफाइल कंप्लीट करना, यानी कि हम अपनी प्रोफाइल ओडेक्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करेंगे, 100% कंप्लीट करेंगे, कोई चीज़ मिस नहीं करनी। मिसाल के तौर पे आम रूटीन की बात ले लें, अगर आप किसी कंपनी या किसी जगह पे अप्लाई करते हैं तो आप अपनी पूरा बायोडाटा, पूरी प्रोफाइल सीवी की सूरत में उनको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करते ओडेक्स के ऊपर, तो ओडेक्स में हायर करने वाला हर आदमी यही समझेगा कि इसे ओडेक्स को यूज़ करना ही नहीं आता, तो ये वैसे ही अप्लाई कर रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने प्रोफाइल अपनी 100% कंप्लीट की होगी, एक चीज़ बताई होगी, तो अब आपको आसानी जॉब्स मिल जाएगी। तो इसके लिए जो चीज़ें हैं वो हम कौन कौन सी लगाएंगे जी? जॉब्स कैटेगरी होगी, यानी कि हम कौन कौन से जॉब्स कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट की, प्रोग्रामिंग की, ग्राफिकल डिज़ाइनिंग की। तो हम जॉब कैटेगरी लगाएंगे पहले, उसको 100% मुकम्मल करेंगे। इसके बाद स्किल होता है, यानी कि आपके पास और स्किल्स कौन कौन सी हैं। SEO कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है जनाब। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री हम फिल करेंगे। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री से मुराद, अगर आपने कहीं काम किया है पहले तो उसके बारे में आप बताएंगे, यानी कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ऑफलाइन काम कर रहे हैं या ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप बताएंगे। एजुकेशन, अपनी तालीम के बारे में बताएंगे कि आपकी तालीम क्या है, आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ये चीज़। तो इसके बाद प्रोजेक्ट, यानी कि आपने किन किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, प्रयास किया। आपने वेब डेवलपमेंट करते हैं तो आप वेब डेवलपमेंट के बारे में इनको प्रोजेक्ट बताएंगे कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट डिज़ाइन की हैं। इसके अलावा अदर एक्सपीरियंस में आए तो अदर एक्सपीरियंस में हम टाइप करेंगे कि इसके अलावा हमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, अदर एक्सपीरियंस हमारे पास कौन सा, वो हम टाइप करेंगे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम मुकम्मल तौर पे प्रोफाइल कंप्लीट करना स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।